नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी में, आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भले ही राजनीतिक तल्खियां दिखती हैं, लेकिन शुक्रवार यानी 19 जनवरी को दोनों के तालमेल का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें देखा जा सकता है कि सीढ़ियां चढ़ते हुए जब एमके स्टालिन एक स्टेप चूक जाते हैं तो पीएम मोदी उन्हें संभाल लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम के आयोजन स्थल की ओर जाते समय दोनों सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तभी एमके स्टालिन का स्टेप ऊपर पैर रख जाता है और लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन पीएम मोदी उन्हें बाएं हाथ से पकड़कर थाम लेते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं वहां की कुछ तस्वीरें। आपको बता दें कि खेलो इंडिया के आयोजन में शामिल हुए दोनों नेता वीडियो में मुख्यमंत्री स्टालिन और पीएम मोदी एक साथ चलते हुए देखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के बेटे और खेल मंत्री उदयनिधि भी उनके साथ कार्यक्रम स्थल तक जाते हैं। अचानक स्टालिन थोड़ा संतुलन खो बैठे और पीएम मोदी ने तेजी से अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें संभालने की कोशिश की। इसके बाद दोनों मंच पर पहुंचे और दर्शकों का अभिवादन भी किया। खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन प्रदान करने और भारत में वैश्विक स्तर पर खेल में आगे बढ़ाने की प्रयास कर रही है। उन्होंने यूपीए शासन के दौरान खेल से संबंधित भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप का हवाला देते हुए दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने खेलों में खेल को खत्म कर दिया है। इसी बीच एमके स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु को देश के खेल राजधानी बनाने का डीएमके सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के अलावा केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्घाटन करने से पहले एक भव्य रोड शो भी किया। इस दौरान बीजेपी समर्थकों ने पीएम मोदी पर फूल बरसाए और इस दौरान अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए और उन्होंने राम मंदिर की तस्वीर वाले बैनर प्रदर्शित भी किए। पीएम मोदी का रोड शो 4 किलोमीटर लंबा चला। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।